हाँ वीपीएन के आप खेल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डायरेक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाना। उस लिंक पे जाने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिल जाएगा। गाइज वीडियो स्किप मत करिए या अभी वीडियो पॉज मत करिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक बार वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप ही जाइएगा। यहाँ पर आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स स्क्रीन में मिल जाएंगे देखने को कि क्या क्या हैं। हालांकि इससे कम भी होगा तब भी चल जाएगा। आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करना और सीधे आपका डाउनलोड हो जाएगा। जनाब जैसे ही आपका डाउनलोड आता है, डाउनलोड होने के बाद आपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर पे जाइए, या वहीं से आप डायरेक्टली डाउनलोड्स भी ओपन कर सकते हैं। और वहाँ पर इसको मैं एक मिनट ज़रा इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ साइज़। तो यहाँ पर आपको ये इंस्टॉलर है पबजी पीसी लाइट का, तो यहाँ पर इंस्टॉलर को ओपन करना है और ओके कर देना है। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट और नेक्स्ट करते रहना है। और यहाँ पर आप अपनी ड्राइव लोकेशन सेव कर लिए कि कहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करना है। फिलहाल मैंने ड्राइव अपनी चेंज करी क्योंकि मेरी वॉल ड्राइव फिल हो चुकी थी, तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा जहाँ पर भी आपको करना हो। और गाइज यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं आपको। अभी तो फिलहाल बीटा वर्जन है और फ्री में आप इसको डाउनलोड करके खेल सकते हैं पबजी पीसी। हालाँकि अगर आप एमुलेटर पे अभी तक खेलते आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप एमुलेटर पे नहीं खेल रहे हैं तो आपको बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये मोबाइल वाले वर्जन से एकदम अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही पूरा ही अलग हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड, आपने जिससे अपना वीपीएन रजिस्टर करा रखा है पहले से, उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, या फेसबुक से आप करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आईडी उसकी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर अपने आईडी से लॉगिन करता हूँ। और इसको करने के बाद फिर डायरेक्टली आपका जो है जो डाउनलोडिंग होगी वो पूरी खुल जाएगी। गाइस पहले बता दे रहा हूँ, आपके पास अप्रॉक्स 2.7 या फिर 3 GB के आसपास डेटा होना चाहिए, क्योंकि 2.4 GB का ये गेम है और वो जो इंस्टॉलर है वो 17-18 MB का है पूरा मिला के। तो गाइस यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हम लोगों के सामने जो इंस्टॉल वाला कॉलम है वो खुल कर आ गया है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर डायरेक्टली आप इंस्टॉल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.4 GB लिख कर आ रहा है। तो अभी ये पूरा डाउनलोड होगा, डाउनलोड करने के बाद हम पूरा स्किप कर देते हैं और हम लोग आते आगे। तो अभी हम लोग गेम पूरा डाउनलोड हो चुका है 100%, अभी हम लोग खेल सकते हैं इस गेम को। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और गेम को प्ले करते हैं। यहाँ पर कुछ हम लोग से मेमोरी एक्सेस मांग रहा, तो हम लोग यहाँ पर अलाउ एक्सेस कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं आपको आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी और यहाँ पर जो है पबजी पीसी लाइट आ गया है आपके सामने और इंस्टॉल हो गया है। तो शुरू में इनिशियलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स काफ़ी देखने में सही लग रहे हैं। अगर आप एमुलेटर में खेलते होंगे तो आपको पक्का ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे, क्योंकि एमुलेटर के कंपेरिजन में इसके ग्राफिक्स एकदम ही अलग है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर मतलब ये पीसी वर्जन है, ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छा ही होगा सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग जनरली से इनिशियलाइज हो रहा है। तब तक यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि गाइस इसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे कि अगर जो डोर हम लोग पबजी मोबाइल में खेलते थे डोर अपने आप ओपन हो जाता है, वो सब इसमें नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर ऑटो रीलोड का ऑप्शन दिया गया है, गन अपने आप रीलोड हो जाती है ख़त्म होने के बाद, लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है और आपको सामान खुद नहीं उठाएगा, वो आपको उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गाइस अपना निक नेम सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपने पहली बार मतलब पबजी पीसी को खेल रखा है, पहले से नहीं खेल रखा होगा, आपने फेसबुक से लॉगिन किया होगा तो यहाँ पर बनकर आ जाएगा अगर पीसी आपने पहले खेल रखा होगा। और बाकी सारी चीज़ें भी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो सारा मैंने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर सीधे गेम को करते हैं स्टार्ट और डायरेक्ट आते हैं अंदर। हम लोग थोड़ा सा ग्राफिक्स देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग गेम प्ले का वीडियो नहीं बना रहे हैं। गेम प्ले का वीडियो तब बनाऊंगा जब मैं थोड़ा बहुत खेलना सीख जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं फ्रेंकली बताऊँ तो यार मुझे भी पबजी पीसी खेलना बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि मैं आज पहली बार खेल रहा हूँ और मतलब मुझे कोई आइडिया भी नहीं कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक्स आपको बहुत ही सही शानदार देखने को मिल रहे हैं, आपका मैप नीचे आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं, कुछ कुछ मारने का साउंड थोड़ा अलग है। अब यहाँ पर आपको सबसे मेन क्या ध्यान देना, आपको पूरी मतलब जब आप खेलेंगे इसके बाद आपको पूरा सेटिंग अपने हिसाब से करना पड़ेगा, सेंसिटिविटी अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर गन की रिकॉइल और सारी चीज़ें पबजी मोबाइल से एकदम अलग होने वाली हैं पूरी की पूरी। थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आपको होगी, लेकिन धीमे धीमे आप उसके मतलब आप हैबिट बन जाएगी। तो अभी यहाँ पर आ गया हम लोग का मैप और मैप एम से खुलता है, मतलब सभी कुछ आपको सीखना पड़ेगा, बटन्स का कंट्रोल सारी चीज़ें। और यहाँ पर लोकेशन भी डायरेक्टली आपकी जो है लेफ़्ट से मार्क नहीं होती, राइट क्लिक से मार्क होती है और मतलब माउस की जो है राइट वाली बटन है उससे होती है। और तो यहाँ पर हम लोग लोकेशन मार्क किया और यहाँ पर जैसे एरोप्लेन से हम लोग जंप करते थे तो बम की आवाज़ आती थी, वो भी नहीं आती, यहाँ पर डायरेक्टली जंप कर जाता है ऐसे ही। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। और मतलब अगर आप
फ़ोन से पीसी में एकदम से स्विच कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप एमुलेटर से पीसी पे खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको थोड़ी बहुत होगी स्टार्टिंग में। जैसे कि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर डोर अपने आप नहीं ओपन होता, ऐप से ओपन करना पड़ता है, गन पड़ी है आपको ऐसे नीचे देख कर उठानी पड़ेगी, तो मतलब सबका अपना अपना, उसमें ऑटो पिकअप था, अपने आप उठ जाता सब कुछ, तो बहुत ही ईजी था, सब कुछ बहुत ईजी था। यहाँ पर सब चेंज है एकदम से अलग अलग, तो और यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं देख सकते हैं आप, जैसे मैं कूदा यहाँ पर ऊपर से तो शीशा टूटा, ऐसा पबजी मोबाइल में नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और गेम प्ले का वीडियो में बाद में आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय बाय।